नमस्कार, सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में 3-4 महीने के बाद चुनावी संग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 3-4 चेहरे हैं जो खुलकर रोजाना आपके सामने नजर आते रहे। ऐसे में आज 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज 3 सियासी घटनाएं हुई हैं जिन पर बातचीत करना जरूरी है। पहली घटना यह है कि जिसको लेकर काफी कानाकूसी थी, जिसको लेकर काफी जो माहौल था वो गर्म था, जिसको लेकर हर कोई अपना अपना अंदाजा लगा रहा था। पहली बात यह थी कि बीजेपी किसको अपना सीएम का चेहरा बनाएगी उत्तर प्रदेश में। पहले तो बातें साफ थी कि योगी आदित्यनाथ सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन बीच में बातें धुंधली पड़ गई। ऐसा कहा गया कि बीजेपी सिर्फ अब की बार बीजेपी सरकार है के नारे के साथ आएगी और जब जीत जाएगी इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और ऐसे में तब मुख्यमंत्री का नाम जो है प्रस्तावित होगा और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा जाएगा, लेकिन किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस धुंध पर, इस ब्लरीनेस पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल इसकी धुंध को साफ कर दिया, प्लेन सिंपल एंड क्लियर कि योगी है उपयोगी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाइएगा और एक बार फिर सत्ता में बीजेपी को लाइएगा। दूसरी घटना है कि प्रियंका गांधी जी आजकल भावना रूपी एक कार्ड लेकर घूम रही है। जब से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कदम रखा है तब से वो भावनाओं को समझ रही है, जनता के साथ कनेक्ट करने के लिए वो भावनाओं के खातिर इधर से उधर, उधर से इधर अपना जो सियासी जो उनका सफर है वो चल रहा है। ऐसे में हमने उनको हाथरस भी देखा जाते हुए देखा, ऐसे में उनको हमने आगरा जाते हुए भी देखा, ऐसे में हमने उनको लखीमपुर खीरी भी जाते हुए देखा और आज वो ललितपुर पहुंची। ललितपुर पहुंची वो वाया ट्रेन, अमित शाह पहुंचे लखनऊ वाया हेलीकॉप्टर। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आसमान में हेलीकॉप्टर बहुत सारे नजर आने लगते हैं, तो अब हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ने लगे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी हैं। लेकिन मैंने हेलीकॉप्टर और ट्रेन का जिक्र क्यों किया, क्योंकि प्रियंका गांधी ट्रेन से ललितपुर पहुंची, अमित शाह हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे, लेकिन घर बैठे बैठे अखिलेश यादव के पास दो बड़े नेता उनकी पार्टी में पहुंच गए। जी हां, बात कर रहा हूं हरेंद्र मलिक की और पंकज मलिक की। मलिक परिवार के ये दो चेहरे हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक, इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के बड़े नेता थे लेकिन अब सपा के बड़े नेता कहलाएंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हरेंद्र मलिक दरअसल प्रियंका गांधी की एडवाइजरी कमेटी के एक मेंबर थे, एक सदस्य थे, अब वो समाजवादी पार्टी में नजर आएंगे। तो ये 3 घटनाएं, प्रमुख घटनाएं जो कि आज उत्तर प्रदेश में घटी हैं, जिन पर चर्चा करेंगे, जिन पर बातचीत करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज साफ कर देते हैं, अमित शाह ने आज लखनऊ में कदम रखते ही बहुत सारी जो सियासी जो अटकली बाजी थी, जो सियासी अटकलें थी, उन सब पर विराम लगा दिया। सबसे पहली अटकल तो ये लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो योगी आदित्यनाथ का ही रहेगा या फिर इसको बदला जाएगा, क्योंकि लोग ऐसे सामने आ गए थे जो इस पर चुटकी ले रहे थे कि मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, सेंटर और स्टेट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, योगी आदित्यनाथ यहां पर लखनऊ में हैं और दिल्ली में जो मोदी जी हैं इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, सामंजस्य बेहतर नहीं है। लेकिन इन सब पर लगा दिया आज अमित शाह जी ने फुल स्टॉप। इसके साथ ही एक और चीज है जिस पर फुल स्टॉप लगाया गया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वोट मांगे जाएंगे राम के नाम पर भी और काम के नाम पर भी। तो वोट जो मांगेंगे वो लोग, वो राम के नाम पर भी मांगेंगे और काम के नाम पर भी मांगेंगे। उन्होंने एक इशारा भी किया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो रामलला के भक्तों पर जो गोलियां चलवाई थी, आज उसी जगह पर राम का गगनचुंबी एक मंदिर बन रहा है। तो निर्माण को लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया और साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनको परिवारवाद से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों ही परिवारवाद वाली पार्टी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों परिवारवाद की पार्टी है और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव कोरोना के वक्त कहां थे, कोई उनसे ही सवाल पूछे। ठीक है, कहीं भी थे, लेकिन चुनाव के वक्त वो फिर से एक बार सूट बूट सिलवाकर एक बार फिर से हाजिर हो गए। तो उन्होंने कहा कि सिलाई करवा ली है, कपड़े सिलवा लिए हैं और एक बार फिर से अखिलेश यादव जो हैं वो चुनावी संग्राम में सामने आ गए हैं।
तो उनकी ये सब आज उन्होंने सारी बातें कही गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ में। इसके साथ ही प्रियंका गांधी आज ललितपुर पहुंची। ललितपुर क्यों पहुंची, इसके लिए आपको बता देते हैं कि ललितपुर में खाद की कमी के कारण वहां पर लाइन में जो किसान लगे हुए थे उनमें से 3 किसानों की मौत, इसको लेकर आज प्रियंका गांधी पहुंची। और प्रियंका गांधी काफी समय से देखा जा रहा है कि भावनाओं को लेकर चुनाव में ज्यादा तेजी दिखा रही है। इसको ऐसे समझाते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो हार्ड कोर इश्यूज पर ज्यादा नजर रखती है, लाइक राम मंदिर या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, 370 हो, इनके मुद्दों को भुनाने का काम बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी करती है, हार्ड पॉलिटिक्स। वहीं अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी सॉफ्ट पॉलिटिक्स करती है, लाइक शी वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद पीपल, वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इससे पहले हाथरस पे जो कुछ हुआ वहां वो पहुंची, गले मिली, फोटोज काफी वायरल। इसके बाद लखीमपुर खीरी भी वो पहुंची, फोटोज काफी वायरल हुए। इसके बाद आगरा पहुंची और अब ललितपुर वो पहुंची। तो लोगों से जो भावनात्मक रूप पर जो कनेक्शन बिल्डिंग की जो स्ट्रैटेजी है इस बार पॉलिटिक्स में वो उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इससे पहले उन्होंने महिला का दांव भी चल दिया है, 40% जो महिला वोटर, वो महिला जो कंटेस्टेंट्स उतारेंगी मैदान में तो उनको टिकट देंगी 40% को, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। लेकिन सपा को आज बैठे बिठाए बड़ी मलाई हाथ लग गई है। सपा ना तो हेलीकॉप्टर से कही गई ना ही ट्रेन से कही गई, लेकिन घर बैठे बैठे ही दो बड़े नेता उनकी पार्टी में कदम रख दिए हैं, जिनका नाम है हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक। हरेंद्र मलिक आपको मैं बता चुका हूं कि प्रियंका गांधी की एडवाइजरी जो कमेटी है उसके ये मेंबर, तो अब ये एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे प्रियंका गांधी की। लेकिन अभी आपको नजर कहां आएंगे, नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। तो नेताओं का भी आप इसमें जरा उनकी भी परिकल्पना कर लीजिए कि नेता जो हैं दरअसल कल इस पार्टी, आज इस पार्टी, कल उस पार्टी के बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़े बड़े एजेंडे, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स पर बात करती है और आज लपक कर अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आज इस पार्टी में। इसके बाद साथ ही आज एक और चीज पर बहस जो है वो उठ गई, अमित शाह जी ने जब कहा कि परिवारवाद इन पार्टियों में नजर आता है, तो परिवारवाद को लेकर जब बहस उठी है तो एक बार फिर से परिवारवाद का जो मसला है वो सामने आ गया है। पार्टियों में परिवार जो है हर किसी का होता है, पार्टियों में परिवार जो है उससे किसी को समस्या नहीं है। लेकिन अगर परिवारवाद की बात होती रहेगी इसका मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है कि मुख्यमंत्री का जो बेटा है वही मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका बेटा ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक श्याम है, एक राम है, एक रहमान है, ये 3 लोग हैं जो कि अलग अलग जगह, मान लीजिए फरखाबाद के कोई कायमगंज का है, कोई गोंडा का है, कोई बहराइच का है, ये सामान्य कार्यकर्ता है, लेकिन क्या ये लोग कभी उस सीढ़ी को चढ़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे अगर परिवारवाद इसी वजह से, इसी तरह से, इन्हीं तौर तरीकों से फलता फूलता रहेगा? ये गहन चिंतन का विषय है। फिलहाल आज जो 3 बड़ी घटनाएं जो हुई हैं यूपी की सियासत में, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आरके मिश्रा साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, संजय गुप्ता साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, कपिल श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, जय दीक्षित साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगा कपिल श्रीवास्तव साहब आपसे। कपिल जी, आज अमित शाह जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा है कि आप जो है वो परिवारवाद की पार्टी है, ठीक है, उन्होंने कहा आप परिवारवाद की पार्टी है। कोरोना के दौरान आप कहां थे, कहीं नजर नहीं आया, विदेशों में थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव नजदीक आए नई सिलाई करा के, नया सूट बूट तैयार करवा के आप एक बार फिर से नजर आने लगे। ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल समस्या है, शायद मेरी आवाज़ मेहमानों तक पहुंच नहीं पा रही है, इस पर काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रियंका की भावना वाली पॉलिटिक्स यहां पर चल रही है। आप लोगों को आवाज मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी ठीक है, वहां का चैनल का नहीं मिल रहा है, चैनल का नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? हां वही तो, चैनल का हम लोग को भी नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? चैनल का आवाज नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबकी मिल रही है बच्चन जी, आपकी आ रही है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है चलिए, ठीक है। तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से अभी आवाज का जो आदान प्रदान था वो ठहर सा गया था, लेकिन वो फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। आरके मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजय गुप्ता साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कपिल श्रीवास्तव साहब हैं, प्रवक्ता सपा से हैं। जय दीक्षित साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कपिल श्रीवास्तव जी आप पर आने चाहूंगा, एक एक सबसे कमेंट लेंगे, इसके बाद फिर डिबेट को खोल देंगे सबके लिए। तो सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव साहब आपसे जानना चाहूंगा, अमित शाह जी ने कहा है कि आप परिवारवाद की पार्टी हैं, दूसरा उन्होंने बात कही कि आप कोरोना के समय कहां थे, जैसे ही चुनाव आए नजदीक वैसे ही आप दोबारा से सूट बूट सिलवाकर सिलाई कढ़ाई करवाकर आप दोबारा से सामने आ गए, चुनाव है महज इसलिए, बाकी जब कोरोना था तब आप विदेश में थे। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करता है तो वो दूसरों से पूछ रहे हैं, और परिवारवाद की जहां तक बात रह गई तो वो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी नई पार्टी है। अरे भाई 1992 से हम है और चार बार हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, और आप जनमत का अपमान करते हैं, आपको शर्मानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर निर्वाचन होता है और जहां निर्वाचन होता है वहां परिवारवाद हो ही नहीं सकता। जब सारे विधायक चुने जाते हैं, एमपी एमएलए चुने जाते हैं, एमएलसी चुने जाते हैं, मेयर चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, पंचायत में चुने जाते हैं, कहां परिवारवाद है? और वो परिवारवाद अगर जिस परिवारवाद को इंगित करना चाहते हैं वो तो इनके यहां भी है। तो इस तरीके से गुमराह ना करें भारत और उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये पहले ये बतावें कि 2017 में जो इन्होंने वायदे किए थे कि अब डबल इंजन की सरकार होगी, चतुर्दिक विकास करके हम दिखाएंगे, तो ये जो विनाश लीला उत्तर प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में खेले हैं वो बतावें। 212 इन्होंने संकल्प पत्र के जो वादे किए थे, एक से लेके 212 तक एक भी वादा अगर पूरा किया हो वो बताए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर कोई इन्होंने स्वयं एक सपना देखा था जिसका शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन भी किया हो तो हमें कम से कम रूबरू करा दे और ये बता दें कि देश में उत्तर प्रदेश को किस जगह पे इन्होंने खड़ा किया। कपीर जी वही आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि आप दरअसल आरोप लगाना आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कोरोना के समय आप कहां थे? वो कह रहे हैं कि आप तो विदेश में थे। भाई बहुत सी कह रहे हैं कि चुनाव आए इसलिए आप दोबारा से सूट बूट पहनकर सामने आ गए। ऐसा है जी, सूट बूट और झूठ की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं। 200 से ज्यादा विदेश घूमने का दावा और रिकॉर्ड जो है आदरणीय मोदी जी ने बनाया और मेक इन इंडिया का शेर चित्र साबित हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ विनिर्माण माइनस में जा रहा है। तो ये मोदी जी की सरकार है जो झूठ बूट और सूट की सरकार है, इसी तरीके से चलती है हम दो और हमारे दो की सरकार है। ठीक है, हम दो हमारे दो की सरकार है। ठीक आ रहा हूं जी, आप पर भी आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पैसा दिया, अंश दिया, और इन्होंने और जापान का पैसा लगा और इन्होंने फीता काटने के बाद अंबानी अडानी साहब को दे दिया और 14 एयरबेस दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 14 एयरपोर्ट इन्होंने देने का काम किया, तो ये पब्लिक के पैसे को लूट करके अपने दो में बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। संजय गुप्ता साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। संजय गुप्ता साहब, ठीक है, प्रियंका गांधी जी जो हैं काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, पूरी तरीके से लगातार जहां भी मिलने की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि भावनापूर्ण वाली राजनीति वो कर रही है। हाथरस में वो मिलने जाती है, लखीमपुर खीरी में मिलने जाती है, अब आज ललितपुर में भी मिलने गई, लेकिन ठीक है, बढ़िया काम कर रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, लेकिन अगर अलग परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो वो काम तो बढ़िया कर रही है लेकिन पीछे के दरवाजे से लोग तो निकल जा रहे हैं। आज मलिक खानदान के जो दो लोग निकल गए, हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक, समाजवादी पार्टी में जाकर ज्वाइन हो गए। तो आप कितनी भी मेहनत करती रहिए, कितना भी काम करते रहिए, लेकिन पीछे के दरवाजे से ये जो एग्जिट का सिलसिला है इसको कैसे संभालेंगे आप? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकारें भावविहीन हो तो विपक्ष के लोगों को तो भावना के साथ काम करना ही होगा। और हम समझते हैं कांग्रेस का रास्ता सेवा का रास्ता है। प्रियंका गांधी जी ने सेवा का रास्ता गरीब के साथ जुड़ के, दलित के साथ जुड़ के, अल्पसंख्यक के साथ जुड़ के, मजदूर के साथ जुड़ के कार्य करने का निर्णय लिया है। महिलाओं को 40% अपने यहाँ सीटें देने का उसके दरवाजा दिया है। तो इस तरह की चीजें इसलिए करनी पड़ रही है कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये अपनी जिम्मेवारी भूल गए हैं। तो और हमें ये देखना पड़ेगा, जो लोग मुख्यमंत्री का आज टेस्ट जारी किया गया दोबारा, तो मैं पूछना चाहता हूँ रमाकांत मिश्रा जी, ये जब पिछली बार भी आपने ये चेहरा लेकर के आए तो कितने मुकदमे इन पर लंबित थे, और जो लोग इनको अनाउंस कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, बावजूद इसके कि वो देश के गृह मंत्री हैं,
क्या बैकग्राउंड उनका रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है कि नहीं रहा। और राम राज्य का वादा करने वाली कुलदीप सेंगर की ये सरकार जब वहां पर दोबारा फेस लेकर के आ रही है तो हमें हमें भावना के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो ये भावना का विषय है और प्रियंका जी के नेतृत्व में इनको बाहर का रास्ता हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आरके मिश्रा साहब पर आते हैं। आरके मिश्रा साहब, अब तो आपको तसल्ली मिली होगी, कहीं ना कहीं मन को शांति मिली होगी कि चलिए जो कयास अटकले, जो बाजार गर्म था, गली मोहल्ले नुक्कड़, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक हर जगह एक ही चर्चा थी कि सीएम योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, कि बीजेपी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक चीज तो खैर, एक जो ब्लरीनेस था वो चीज क्लैरिटी के साथ बदल गई कि हाँ, सीएम योगी जो है उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। तो प्रसन्न होंगे आज आप? देखिए ऐसा है, मैं एक चीज बता दूंगा आपको, जो कि इस तरह की जो क्लैरिटी थी ये आज ही नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले ही हो चुकी थी, जो कि सीएम योगी जी के चेहरे पर ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा और वही हमारे सीएम का फेस होंगे, ये पहले ही क्लैरिटी थी। आज की क्लैरिटी नहीं है, जो कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी वहां जाकर के उन्होंने जो अनाउंस किया है, बस उसी को, उसी शब्द को आगे उन्होंने जोड़ा है। रह गई बात जो साढ़े चार साल में जिस तरह से योगी जी ने जिस तरह से अपना काम दिखाया है वहां पर, और जिस प्रतिबद्धता और जिस कटिबद्धता के साथ उन्होंने दिखाई है, पहले की जितनी भी सरकार थी, चाहे वो एसपी की हो चाहे बीएसपी की हो, अगर 2017 का अगर नारा देखें तो निश्चित रूप से आप सपा का आप देखेंगे जो कहते थे जो कि काम बोलता है, पहली बात, और वही काम बोलता है वाली जो सरकार थी उसको जनता को, जनता ने किस तरह से नकारा वो सबने देखा है उस चीज को। और जो एक सत्ता में रही सरकार उसको 44 से 50 के बीच में उसको समेट दिया जनता ने, तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जो कि किस तरह से उन्होंने, जनता ने उनको जवाब दिया, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बात है जो कि साढ़े चार साल में जितना काम योगी जी ने किया है, अगर उसको, उसके अध्ययन किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो जितनी भी पिछली सरकारें रही है उसके ऊपर में भारी पड़ेगी, चाहे किसी भी योजना को लेकर के देख लें, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे कहीं पे भी आप देखेंगे जन कल्याणकारी योजना, हम अगर हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से इस तरह से अगर ये जो इंजन का सरकार है तो प्रदेश को फायदा हुआ है निश्चित तौर पर, जो 24 करोड़ जनता है अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनको फायदा हुआ है, और इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे विपक्षी वहां पर जिस तरह से आरोप लगाएं, जिस तरह से माहौल बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता उनको देख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मिश्रा जी आपने कहा फायदा हुआ है, हालांकि आज फिर से 35 पैसे बढ़ गए तेल, रोजाना बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, अब जय दीक्षित साहब भी हमारे साथ है। जय दीक्षित साहब, ये बताइए, तमाम जो नेता यहाँ पर है सबकी बोली भाषा अलग हो सकती है, लेकिन कहने की जो बातें हैं, बातों को अगर हम पूरा लबोलुआब निकालते हैं, पूरी चाशनी निकालते हैं, तो ऐसा लगता है बड़ी मिश्री बातें हैं ये आम जनता के लिए। ये सब तो आम जनता का भला सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन इन सबकी जो राहें हैं वो अलग अलग क्यों हैं? अच्छा लगा अपने सारे मित्रों की बातें हमने सुनी। अगर हम इतिहास पे गौर करेंगे तो तुष्टिकरण की राजनीति लेके पूरे उत्तर प्रदेश में होती रही है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, सबने अपना एक एक अधिकार बना के एक लंबे काल तक, एक लंबे खंड काल तक। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हिंदुत्व को लेके चली और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को पोलराइज करके अपने को स्थापित करने की कोशिश की। 2017 में रिजल्ट हम आपके सबके सामने रहे, एक नई परिपाटी बनती है कि शायद पिछले कई चुनावों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित। आप बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, गठबंधन में चुनाव लड़े थे, इनके लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा भाजपा एक दूसरे के पूरक, और पिछले कोविड काल से ले लीजिए, मैं अभी अपने सपा के मित्र को सुन रहा था अभी जी, तो वाकई ये सच है कि योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल में जिस तरीके के दौरा किए
तरीके का व्यवस्था। देखिए पहले मैं छोटा सा आंकड़ा दे दूं, उत्तर प्रदेश की जो आबादी है लगभग 22 करोड़ के आसपास, मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी जनसंख्याओं वाला शहर है, राज्य है सॉरी, जहाँ से 80 सांसद और 4 विधायक आते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने यह सिद्ध किया कि मैं सबसे बेहतर, हर राज्यों में पहुंचना, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये नहीं है कि बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया, बट जनसंख्या के अनुपात को अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ ने बेहतर तो काम किया है और मुख्यमंत्री। और आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक किया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के पूरक, और शायद यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश में आज अमित शाह जी को आके योगी आदित्यनाथ के चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ा। ठीक है जय दीक्षित साहब। ठीक है, अब मैं आरके मिश्रा साहब पर आऊंगा। आरके मिश्रा साहब, जब कपीश जी अपनी बात रख रहे थे तब कपीश जी ने बात रखते रखते आपके लिए कह दिया कि आपकी जो पार्टी है, आपकी जो सरकारें हैं, वो दो लोगों की सरकार है। ठीक है, दो लोगों की सरकार है, लेकिन दो लोगों की सरकार के साथ वो दो लोगों के दोस्तों का भी नाम ले लेते हैं, अडानी अंबानी। तो जनता जरा समझ नहीं पा रही कि अडानी अंबानी से आखिर क्या आपका जो ये तालमेल है, ये है क्या जो कपीश जी बार बार पॉइंट आउट करते रहते हैं, इस पर जरा प्रकाश डालिएगा। हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं जो कि दो आदमी की सरकार है। देखिए, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है जो कि दो आदमी की सरकार है, लेकिन ये आप समझ सकते हैं जो कि जिस तरह से इसमें भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर दो आदमी की अगर सरकार होती या दो आदमी मात्र जवाब देंगे इस पर। ठीक है, हाँ हाँ निश्चित तौर पर, मैं पहले जरा बात रख लूं, उसके बाद कपीश जी आएंगे, हमारे मित्र आएंगे वहां पे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि दो आदमी के इन्होंने जिस तरह से इन लोगों ने, विपक्षी दलों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की है जो कि दो आदमी की सरकार है, और दो फैसले आप देखेंगे जो जिस तरह से संवैधानिक तरीके से, चाहे प्रजातांत्रिक तरीके से, जो पार्टी का जो अपना बिल्कुल जो प्रोग्राम होता है, आप उस चीज को देखें जो कि सब मिल करके फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं है जो कि जाकर के दो व्यक्ति ने जो है सो फैसला लिया और वही पूरे पार्टी के ऊपर में जो है सो लागू हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हर एक पार्टियों की है वैसे ही हमारी पार्टियों की है। हाँ, इसमें एक चीज आपको समझने की जरूरत है जो कि जहां पे और पार्टियों में जिस तरह से फूट है, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का तो वजूद बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम तो ये कहते हैं जो कि कांग्रेस तो हर जगह से अपना हाथ खींच ले, जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी के पास अब कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं, कि आप प्रियंका गांधी से डर गए हैं, वो जहां भी जाती है उनको रोकने की कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए 4 दिन पहले की बात है, जिस प्रशांत किशोर जी को हम लोग कहते हैं जो कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है जो कि कांग्रेस भले ही कुछ जब वो बंगाल इलेक्शन के बारे में कहते थे तब आप उनको डिसमिस कर देते थे, आज वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं करके आप शुरू कर रहे हैं। नहीं, अब मैं वही चीज, फिर बंगाल की अगर राजनीति की बात करें तो देखिए हम बंगाल में भी फायदे ही में रहे, हमारे प्रशांत किशोर का जो जिक्र किया आपने उसको लेकर सफलता हुए। ठीक है, हाँ, प्रशांत किशोर जी का मैंने इसलिए जिक्र किया जो कि उन्होंने कहा कांग्रेस है, अगर सब कोई मानते हैं बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, तो कांग्रेस तो बिल्कुल कह रहे हैं जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है और कांग्रेस को हर एक चुनाव से अपना हाथ खींच लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलिए समझ गया मैं आपकी बात को। तो कपीश जी, इन्होंने साफ कर दिया कि दो लोगों की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ आप माहौल बनाने का काम कर रहे हैं इनके खिलाफ और कुछ नहीं है। जैसे अन्य पार्टियों में होता है वैसे इनका होता है। और साथ ही साथ कांग्रेस के अपने साथी पर भी आना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप जवाब दीजिएगा कपीश जी, आप माहौल बना रहे हैं। देखिए साबित और ना साबित करने का प्रश्न नहीं, जहां साबित हो वहां ना साबित कैसे हो सकता है। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि नड्डा साहब कैसे चुने गए, अमित शाह साहब अध्यक्ष थे तो कैसे चुने गए थे। देखिए ये कहने वाली बातें हैं, हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है और ये किसी से छुपा नहीं। जिस तरीके से कोयला खदान दिलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी अरुंधति भट्टाचार्य के थ्रू, 1,21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, और आज आप देखिए उन्हीं के ऑस्ट्रेलिया के खदान से महंगा कोयला लेने की तैयारी भारत कर रहा है, क्योंकि ये तो निकम्मा पहले अपने आप के पुत्र को साबित करते हैं, इनका तो काम ही है
कि पूर्वजों की हवेली को बेचकर किराए के मकान में एसी लगा के रहने को ही ये विकास कहते हैं, तो ऐसा विकास इनको मुबारक हो, देश भी इनको मुबारक ही करने वाला है। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि देश के अच्छे दिन तब थे जब पुरानी पेंशन थी, देश के अच्छे दिन तब थे जब गैस पे सब्सिडी मिलती थी, आज 46 रुपए की मिल रही है और 1000 रुपए देना पड़ रहा है। तो इनकी सारी तो झूठ की योजनाएं चलती है वो सामने है। बनारस में बैठे हुए हैं, कोई तो बना नहीं। बनारस में बैठे हुए हैंडलूम को इन्होंने कहा था कि हम गुजरात के उद्योग की तरह बना देंगे, आप बताइए बंद हो गए। एमएसएमई में रिकॉर्ड बंदी जो है बनारस के अंदर हुई है और इसीलिए हमने एमएलसी की दोनों सीटें वहां पर जीती और प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया, नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए था। अब मैं तीसरी चीज कहता हूं, आज कोविड काल पे आप मंथन करके देख ले, 11 मई सन 2021 इसी हाई कोर्ट के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने एक हलफनामा तब दिया जब हाई कोर्ट ने इस बात को कहा कि हम न्यूडल ऑफिसर के रूप में अपने हर न्यायाधीश को जिले में बैठा देते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इनका देना जरूरी है, देना जरूरी ठीक है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए तब इन्होंने अपने झूठ को हलफनामा देकर के स्वीकार किया कि हाँ हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हमारे यहाँ बेड की कमी है, हम दवाओं को नहीं दे पा रहे हैं, हमारे यहाँ पीपीई किट की कमी है, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। इन्होंने सारे कबूल किए, उससे पहले ये किसी चीज की कमी नहीं मान रहे थे। और दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को भगवान राम भरोसे छोड़ दिया उसके चिकित्सा सुविधा को, योगी जी के ऊपर कहा, यही कहा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो सरकार हासिल नहीं करा पा रही है वो जिनोसाइड कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कत्ल करा रही है। ठीक है, आप देखिए सामने कि लोग लाइन लगते थे मिट्टी के तेल और गैस के लिए, इन्होंने अद्वितीय कार्य किया है, इन्होंने मुर्दों की लाइन लगवाई और अद्वितीय हिंदुओंवाद किया है, इन्होंने हिंदुओं की लाशों को मजबूर कर दिया गंगा जी और अन्य नदियों में प्रवाहित होने के लिए और कुत्तों ने लोच करके खाया, ये सभी जनता ने देखा। ठीक है, इन्होंने अद्वितीय रूप से जिस तरीके से घाटों पर टीन शेड लगा करके बाहर से ढका था, लाल आसमान हो जाता था फास्फोरस से लोगों की हड्डियों से, लेकिन ये सरकार छुपा रही थी। ठीक है, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, आंकड़ों की बागीचगरी को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लताड़ लगाई और ये सुप्रीम कोर्ट को कहते थे कि आप हमसे आंकड़े नहीं ले सकते हैं कि हम कितनी दवाइयां कितनी ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है, लेकिन ये भूल गए थे कि सुप्रीम कोर्ट को निगरानी का पावर है और ये डिसाइड करने का पावर है केशवानंद भारती भारत संघ के वास्ते कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस पर उसकी शक्ति है और नहीं है। और जब वो लताड़ लगाया तो देखिए सारी नीतियां वैक्सीन पे बननी शुरू हो गई और इनको बयान हेल्पी के साथ सारी चीजें देना पड़ा कि हम तो कब तक टीकाकरण करा देंगे, कैसे टीकाकरण करा देंगे और क्यों करा देंगे। ठीक है, आपने महीना ठीक है ठीक है कपीर जी ये बताइए आपने, ठीक है महीना दो महीना पुरानी सारी बातें रख दी, पूरी कहानी सुना दी, लेकिन आज ही ये कह रहे हैं कि जहां पर आपने रामलला के भक्तों पर गोलियां चलवाई वहां पर गगनचुंबी राम मंदिर बनेगा और आप वो देखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये जब वर्डिक्ट आप क्या कर रहे थे जब गोली चलवाई थी उसको लेकर, नहीं नहीं एक मिनट सुने, एक मिनट पूरी बात आने दे, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा और कामाबाई फुल स्टॉप दूंगा, मैं भागता नहीं हूं, ठीक है मेरी बात को पहले सुन ले। जब 1949 के अंदर पहला वाद हिंदू महासभा करके आई थी कि विजयनाथ जी के समय में, और मैं ये कह रहा हूं कि जब वो सारे पक्षकार थे उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टे ऑर्डर थी और उसके बाद आपने रथ यात्रा की और 1410 करोड़ रुपए भी इकट्ठा किए, बावजूद उसके 29 साल आप सत्ता की मलाई तीन बार में चाटे, लेकिन आप कोई अध्यादेश का कोई विधेयक लेकर कैसा नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण हो सके। तो आपने जनता को उकसाया, आपने किशोरों को उकसाया और एक अपराध का भागी बनाया, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे दिया गया था और उसके उसके आदेश की अवमानना सरकार नहीं कर सकती थी। और सुन ले, सीआरपीसी के अंदर गोली चलाने का पावर उसकी परिस्थिति जन साक्ष्य को देखते हुए एक अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट का होता है, वो मूर्ख व्यक्ति है जो कहता कि किसी कहने से गोली चला दी, और अगर चला दी थी
और हमने गलत काम किया था कि इनकी तीन बार सरकार बनी है, क्यों नहीं हमारे सरकार के खिलाफ या किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने हत्या का केस चला लिया। तो ये रोने वाली सरकार है, इनको इनको कोई क्षमा नहीं करेगा। जब आप हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नोचवा रहे थे तब आपका हिंदुत्व तो कहां चला गया? ठीक है, उस बात पर चादर शवों पर से खिंचवा रहे थे तब आपका कहां चला गया? नहीं कपीर जी जो कहना है कि ठीक है, कपीर जी मेरी बात, कपीर जी बात को सुनिए। कपीर बनकर के काम कर रही थी कोरोना काल में, तो आपका हिंदुत्व कहां चला गया? और अभी 700 किसान आपने शहीद करा दिए, सभी हिंदू हैं, जी जितना सोच कर आए हैं सब कुछ बोलेंगे क्या? आपको बैठा करके शहीद कराया, तब आपका हिंदुत्व कहां चला गया? और हम दो हमारे दो के लिए आपने कानून बनाया, आज देश का किसान बदहाली के कगार पे है और आप हंस रहे 700 लोगों को शहीद करा के शर्माने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम दो और हमारे दो की ये सरकार है। ठीक है, आप इस बात से तो एग्री करते हैं कि रामलला के भक्तों पर आपने गोली चलाई, और जैसा कि आज बीजेपी कह रही है कि गगनचुंबी राम मंदिर आप देखेंगे, मैं फिर आपको कह रहे हैं कि आप देखेंगे। कल तक आप आप ही लोग चुटकी लेते थे बीजेपी पर, कल तक आप ही बीजेपी पर चुटकी लेते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब वो तारीख भी बता रहे हैं, दर्शन भी करा रहे हैं, सब करा रहे हो। कम से कम आप विधि की उल्लंघना ना करें। जब ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने के लिए कहा और इन्होंने संत की जगह लंठों का ट्रस्ट बना दिया, क्योंकि ना इसमें चक्रपाणी महाराज है जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है तो आप कल तक छुटकी तो आप ही ले रहे थे ना, कल तक कपीर जी चुटकी तो आप ही ले रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, चुटकी तो आप ही ले रहे थे। बिल्कुल इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने नहीं बनाया, चुटकी तो हम आज भी लेंगे और हम आज भी कहेंगे कि कब आपने बनवाया। जब सुप्रीम कोर्ट तो फिर आप इनसे तारीख क्यों पूछ रहे थे? अपमान करना चाहते हैं आप, तारीख क्यों पूछ रहे थे फिर इनसे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे? अब वो आज कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, देख लीजिए। रथ यात्रा लेकर के क्यों निकले थे? 1410 करोड़ रुपए का चंदा कहां चला गया? भगवान राम के अमानत में खयानत करने वाले हिंदुत्व के रक्षक बने हुए या भक्षक है? मतलब आपका राम मंदिर में, आपका राम मंदिर बनवा, आपका राम मंदिर निर्माण में इतना सहयोग है कि आपके द्वारा कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए राम भक्तों पर गोली चलानी पड़ी? ठीक है, आपका ये रोल रहा। पहली देखिए, हमको तो हास्यास्पद लग रहा है, आपकी पत्रकारिता बाजार पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, हाँ, कि सीआरपीसी की धारा में आप गोली चलाने का समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी कार्यालय से सर्टिफिकेट मिलेगा? कानून की उल्लंघना हो रही है तो कानून पर स्थापित करने का पावर किसको है? हमने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया क्या? किसी किसानों की हत्या करा दी क्या? हमारा कोई गृह राज्य मंत्री उसमें इन्वॉल्व है क्या? अगर आपने मजिस्ट्रियल जांच बैठी है और संवैधानिक जांच बैठी है, अरे महाराज करते इस तरीके का, महाराज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वहां की बात कर रहा हूँ, लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं का मुद्दा कहीं का राई कहीं का जोड़ दीजिएगा। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, हमने तो पहले भी कहा था सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की खराब पे नहीं बचा है। ठीक है, ठीक है, और महिमा मंडल इस तरीके से नहीं किया जाता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करें। ठीक है, ठीक है, आपसे क्लास लेने आ जाऊंगा समाजवादी पार्टी कार्यालय में, आप शायद बांटते हैं पत्रकारों को। ठीक है, अब मैं संविधान को पढ़ने वाला एक छात्र, आप तिलमिलाइए मत, तिलमिलाइए मत, तिलमिलाइए मत, तिलमिलाइए मत। आपकी जितनी कैसेट भरी है पूरा बोलने का मौका दिया मैंने, आपकी जितनी कैसेट भरी है कपीर जी, जितनी कैसेट है कपीर जी, जितनी कैसेट भरकर आए थे सब बोलने का मौका दिया मैंने। कपीर जी जितनी चाबी भरी थी आपको पूरा बोलने का मौका दिया, पत्रकारिता का सर्टिफिकेट आप क्यों बांट रहे? आप नेता है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का काम एक पत्रकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंडल करने का काम कर। ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अगर आप अपमान करना चाहते हैं तो ये बहुत अपमान की चीज है। दो चार और मिनट बोलेंगे तो टीवी से बाहर आ जाएंगे, रुक जाइए, धैर्य रखिए। चलिए ठीक है, संजय गुप्ता साहब के पास आप जैसे लोग आ जाएंगे, ठीक है, आप जैसे पित्र पत्रकारिता करने वाले आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, आपको बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या सरकार का वर्डिक्ट है, बताइए आप। मैंने आपसे ये कहा कि आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि आपने जहां रामलला के भक्तों पर गोली चलवाई वहां पर वो मंदिर बनवा रहे हैं, आप उसको देखिए। आप चिढ़ने क्यों लगे? आप क्यों तिलमिला रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? घबरा क्यों रहे हैं आप? परेशान क्यों हो रहे हैं आप?
परेशान क्यों, संविधान पढ़ाओ, परेशान क्यों रहे, इसकी थ्योरी पढ़ाओ, मैं न्याय पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ाओ। अरे मेरे मेरी तरफ से तो बीजेपी राम और काम के नाम पर वोट ले रही है। आप भी राम और काम के नाम पर वोट लीजिए, आप भी कहिए कि राम मंदिर के नाम पर मुझे भी वोट दीजिए, आपने कुछ किया होगा तो वोट मांगिए, आप भी कहिए मुझे राम मंदिर के नाम पर वोट दीजिए। वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, कपिल सिब्बल खुलकर कह रहे हैं, करने के लिए भारतीय संविधान का अपमान आप कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, आप उसके वर्डिक्ट का अपमान कर रहे हैं और आपका चैनल कर रहा है। ठीक है, अगर ये बात मिश्रा जी कहता तो मैं मान लेता, ठीक है, चलिए मैं उनको जवाब दे लूंगा। आप आईकार होकर के निष्पक्ष नहीं पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको अगर जानकारी नहीं है तो कानून मुझसे सीख लीजिए। आप नहीं, नहीं आपसे सीखने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। न्याय पृथक्करण का सिद्धांत देश में लागू है कि नहीं मुझे बताइए आप, कपीश जी कई ऐसे मौके आते हैं जब प्रवक्ताओं के सामने कठिन सवाल रख दिए जाते हैं तो काफी तिलमिलाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है, गर्माहट हो जाती है, कमरे में भी गर्माहट हो जाती है। आप सवाल पर क्यों आ गए, मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। आप राजनीतिक दल के नेता है, राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, आपका काम है जवाब देना, आपका काम सवाल पूछना नहीं है। मैं जनता का नुमाइंदा यहाँ पर बैठा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं जनता की तरफ से आपसे यहाँ सवाल कर रहा हूँ। आप पलट कर जनता से ही सवाल करेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं जनता की तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे ही, आपकी जवाब दे ही, आप जवाब दीजिए। आप तिलमिला रहे हैं, गर्माहट है, आप घबरा रहे हैं। आप संवैधानिक रूप से पूछ ही नहीं सकते कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो भारतीय जनता पार्टी उसे अपना क्यों बताती है? ठीक है कपीर जी, ठीक है। आरके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरके मिश्रा जी, ठीक है। आरके मिश्रा साहब, आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा, सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो चीजें आपने की ही नहीं है, पहली बात तो इनकी जो योजनाएं थी, इन्होंने जो जो चीजें बनवाई उन पर आपने फीता काट कर क्रेडिट खा लिया सारा। और अब मंदिर को लेकर जो आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि काम पर और राम के नाम पर दोनों चीजों पर वोट मांगा जाएगा, तो राम का मंदिर तो आपने बनाया ही नहीं, आप तो सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, इनका ये कहना है। मैं बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट हमारा नहीं कहना है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पूछ लीजिए, इनकी वर्डिक्ट है क्या? कपीश जी थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ जो कि ठीक है, राम आज पूरा यूपी या मैं पूरा देश की बात करता हूँ, जो राममय हो गया है, चाहे गोली चलाने वाला था कोई, चाहे गोली खाने वाला कोई था, मतलब पूरा देश राममय हो गया है, तो क्या एक किस तरह की जीत कहते हैं? क्या गोली चलाने वाले की मंदसौर में जो गोली आपने चलवाई थी वो किसके ऊपर चलवाई थी? मध्य प्रदेश सरकार आपकी थी, शिवराज जी की, और आपने किसानों पे गोली चलाई थी और सारे हिंदू मारे गए थे, और आपने तो उकसा करके एक अपराध का भागी बनवाया था, और प्रशासन ने परिस्थितियों को देखते हुए जवाब दिया और उस पर न्यायिक जांच बैठी, और न्यायिक जांच में वो मजिस्ट्रेट जो है वो आप कपीश जी सुन भी लीजिए आप जवाब, आपकी बातें हम लोगों ने बड़े, मैं तो पूछ रहा हूँ आप गैर विधिक बातें कैसे करेंगे, सुनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप अपना आदेश कैसे बना सकते हैं? और राम राम मैं आपने देश को बनाया है क्या? सनातनी और पुरातनी सिर्फ आप है क्या? कपीश श्रीवास्तव क्या वैश्विक न्याय न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज नहीं है? आप लोग तो आप हमें सिखाएंगे सनातनी होना, आप हमें बताएंगे कि राम मैं क्या होता है, आप हमें राम और रामत्व की बात बताएंगे? कपीश जी हमने आपकी बात को बड़े धैर्य और शालीनता से सुना, अब हमारी भी बात सुन लें। मैं कह रहा हूं क्या आप लोगों ने राम के, आप विपक्षी दल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, और जो विपक्षी दल थे, क्या राम के अस्तित्व को भी मानने के लिए तैयार थे क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ करके, पूरा देश ने आगे बढ़ करके अगर किया है, तो निश्चित तौर पर ये देश में जो माहौल बना है, ये चाहे वो राम मैं अगर मैं कह रहा हूं तो निश्चित तौर पर जो माहौल बना है इसमें आपको भी, आपका भी दिल मान रहा होगा, जो इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान है, इस चीज को मानना पड़ेगा। देखिए हर एक चीज भगवान श्री राम के लिए कोई योगदान नहीं दे सकता, जो दुनिया की बेड़ा पार कर रहा हो नैया, उसकी नैया बड़ा पार करने की
हमारे महाराज कपीश जी, अभी तो सत्ता के नेता ने आपके सामने हाथ जोड़कर कहा कि भैया शांत हो जाइए, अब तो सुन लीजिए, सुन लीजिए जवाब। श्री राम सुमिरने के विषय वस्तु है, नारे के वस्तु नहीं है। 29 साल तक आपने नारे में बसा करके और अपने लिए सत्ता की मलाई चाटी और उनको टाट में बैठाए रखा। कपीश जी बड़े शालीनता से आपकी बातें हमने बड़े धैर्य से सुना, कम से कम हमारी बात भी तो सुन लीजिए। कपीश जी चाय खत्म होने तक सुन लीजिए। चलिए आप एक चीज कहिए, 2017 में आपने आप लोगों का ही कहना था जो हमारा काम बोलता है। आप लोगों ने ही नारा दिया था बीएसपी के लिए जो कि ये पत्थर वाली सरकार है, तो क्या किस तरह का माहौल आपने दिया जो जनता ने आपको नकार दिया। आज अगर पूरा देश राममय हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर आप दिल पर हाथ रख करके कहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि भाजपा जिस तरह से जिस मोड में चाहे एग्रेसिव कहे डिफेंसिव कहे जिस मोड भाई हम दिल पे ही हाथ रख के बता रहे हैं कि राम के नाम को बेचने वाले लोग हैं ये। राम और रामत्व से कोई लेना देना इनका नहीं, राम के अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश करी उन्होंने। तो इस तरह का जो माहौल देश में बनाया गया था, चाहे वो 500 साल अरे आपके यहाँ तो दिल्ली मुख्यमंत्री सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बता रहे थे, वो तो माँ सीता के ही अस्तित्व को नकार रहे हैं। उसके लिए भी तो कुछ कह दीजिए जो आपके डिप्टी मुख्यमंत्री टेस्ट ट्यूब बेबी बताए थे सीता जी को, माँ सीता को सीता नहीं मान रहे थे, ये भी तो बताइए कैसे रामत्व को कर रहे हैं और राम के रामत्व को वो आगे कैसे ले जा सकता है जिसने अपने सीता को हरण के लिए अशोक वाटिका में छोड़ दिया है। मुझे आप बताइए कैसे कर सकता है, राम के रामत्व को की खोज वो नहीं कर सकता जिसने अपनी सीता के हरण के लिए रावण के अशोक लंका में छोड़ दिया। चलिए ठीक है आर के मिश्रा साहब, एक और चीज है ये भी जानने की कोशिश करेंगे आर के मिश्रा साहब की, ठीक है आपकी लखनऊ में जो भी आज विशालकाय एक दृश्य देखने को मिला कि ठीक है आपका केंद्रीय नेतृत्व तो कहूंगा मैं उनकी तरफ से आज अमित शाह जी मौजूद थे, तमाम बातें कहीं खुलकर बातचीत हुई, काफी जो धुंध थी वो अभी हटाई गई। लेकिन एक और चीज है कि आप ये भी देखिएगा कि किसान की हालत क्या है। ललितपुर में अगर कांग्रेस की प्रियंका गांधी पहुंचती हैं तो वो भी जो फुटेज है वो भी आती है, तो वहां पर ललितपुर में खाद्य की शॉर्टेज की वजह से लाइन में लगे 3 किसानों की मौत हो गई, ये आपको नहीं दिखता। इसके साथ ही जो बेरोजगारी है वो आपको नहीं दिखती, जो महंगाई है वो आपको नहीं दिखती, 35 जो पैसे तेल है और 35 पैसे ही डीजल है वो आज फिर बढ़ गया, वो आपको नहीं दिखता। आप कहते हैं कि राम और काम के नाम पर आप वोट ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी लोगों की मानसिकता के साथ भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। हमने हमारे लिए महंगाई भी मुद्दा ही है, हमारे लिए महंगाई विषय है, वो भी बहुत ही संवेदनशील विषय है, पहली बात। दूसरी बात आप रखें चाहे किसान का मुद्दा हो चाहे आप कहेंगे विषय, देखिए महंगाई आपके लिए विषय है, ठीक है आप सरकार में हैं सत्ता में हैं, महंगाई समस्या है इसका समाधान होना चाहिए, आप ही समाधान करेंगे प्रभु। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर जिस तरह से कोरोना काल के बाद की जो स्थिति बनी है, पहले क्या था प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका था, अब हमारे पास क्या हुआ तो मतलब अचानक इस तरह की जो रिक्वायरमेंट आ गई जो जिस तरह से प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही थी एक ही अचानक जो है सो डिमांड बढ़ गया, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रेशर वैश्विक स्तर पर पड़ा है ये सबको देखना पड़ेगा इस चीज के लिए, इसमें सरकार जिम्मेदार है ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मैं अगर आपको बताऊं तो विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। नॉन स्टॉप कपीश जी 24-25 मिनट बोल गए, आपको लगता है उनके पास मुद्दा नहीं है? नहीं ये मुद्दा नहीं है, ये कपीश जी ने जिस तरह से बात अपनी रखी है, एक काम करते हैं स्वास्थ्य पकड़ लेते हैं, शिक्षा पकड़ लेते हैं, बेरोजगारी पकड़ लेते हैं, महिला सशक्तिकरण पकड़ लेते, कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए और मैं आपको कम से कम 200 कमियां गिनाऊंगा मिनिमम। मैं आपको 200 बार जवाब भी दूंगा मैं आपको कपीश जी, आप दीजिए मुझे, मैं आपको शुरू करता हूँ। अरे नहीं भैया रुकिए कपीश जी, ऐसे ही चलता रहा तो आप मेरे दफ्तर में आइएगा, मेरे कमरे के बाहर जो तख्ती लगी है वो आपके लगानी पड़ेगी, आप ही बन जाइएगा डिप्टी एडिटर, ठीक है। चलिए जय दीक्षित साहब आप पर ही आऊंगा अब सीधे। जय दीक्षित साहब, दोनों लोगों के पास अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी बातचीत है, राय है, लेकिन ये चीज भी समझ में नहीं आती कि बीजेपी जो है ऊपरी गेम खेल जाती है। आप समझ रहे होंगे चुनावों से पहले राम मंदिर का भी मुद्दा आएगा, चुनावों से पहले 370 का भी मुद्दा यूपी में आ जाएगा, 35 से हटाया ये भी यूपी में आएगा, कश्मीर भी यूपी में आएगा। इसके साथ ही जैसा कि आज उन्होंने कहा अमित शाह जी ने कि रामलला के भक्तों पर जो गोली चलवाई गई थी सपा के टाइम पर उसका उन्होंने जिक्र किया। आज से 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में मैं याद कर रहा हूं तो ओवैसी साहब आए थे,
उन्होंने कहा कि जो दंगे हुए थे उसको भी भूलने की जरूरत नहीं है। तो पुरानी बातें जो कड़वाहट है उसको आज जारी रखकर, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? रविंद्र जी, मैं अपने सपा के मित्र और जी को भी सुनूं। देखिए, हमें चूंकि अभी चुनावी वर्ष है उत्तर प्रदेश के, तो मुद्दा खोजना, मुद्दा उठाना और मुद्दे को अपने तरीके से प्रचारित करना ये पार्टियों की अपनी एक कला रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन आई क्यों? परिवार सपा के मैं मित्रों की बात करूं, कपीर जी बैठे हुए, आज जब एक बलात्कार होता है, एक बच्ची का बलात्कार होता है, तो इनके सपा के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह जी कहते हैं कि बच्चों से गलतियां। जब सीतापुर में उस महिला को लगातार सफाई को, सपा की सरकार में जब सपाई लोग उसको पीट रहे थे, उस बच्ची अपना एक अधिकार मांग रहे थी, अभी व्यवस्था जीरो थी, तब कहां चली गई थी महिला सशक्तिकरण? तो महिला की बात आप नहीं समझे। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी। 2013 में नरेंद्र मोदी जी जब एक लाल किले से, एक जो गुजरात को उन्होंने लाल किला का एक प्राचीर घुमाया और वहां से कहा था कि केंद्र की सरकार दोषी है पेट्रोल और डॉलर के दाम बढ़ने से, और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में मैं देश की बात कर लो तो आप पेट्रोल और डॉलर के दाम कम नहीं करते, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। हम क्योंकि आज यहाँ इकट्ठे हैं उत्तर प्रदेश के चेहरे को लेकर, और उत्तर प्रदेश की जो चेहरे की हम अगर बात करते हैं तो आज ध्रुवीकरण पे आना मजबूरी है। जब सपा सरकार सत्ता में आती थी तो मुस्लिम और यादव वोट के समीकरण के साथ आती थी, इनका एक परमानेंट वोट बैंक हुआ करता था। आप स्टेज पे से एक संस्कार, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपसे कहा किसने, ठीक है, ठीक है, पार्टी के जो पदाधिकारी, कहने की जरूरत नहीं है, लोग समझ लेते हैं। कबीर जी मेरी बात सुन लीजिएगा, स्टेज पे मैं जानता हूँ आप निष्पक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, लोग समझ लेते हैं इसलिए आप समझा रहे होंगे, हम नहीं समझते आप। एक बेटा अपने पिता से माइक छीन लेता है, तो वो जो संस्कार वाली चीजें हैं वो सपा के देश में दिखती है, वो लोगों के अंदर परिवर्तित करती है। अब मैं थोड़ा आज के नहीं, जय दीक्षित जी, जय दीक्षित जी, थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा, विचलित होगा बेचारे, और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका प्रवक्ता बनाए, और मैं पहले ही से मुबारकबाद आपको देता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको मैं आपको कुछ सफाइयां दे दूं। नहीं, आपने निष्पक्ष होकर कुछ चीजें उठाई हैं। अरे भाई दीक्षित जी, रहन दीजिए, हमें छोड़िए ना, आप जिस नेचर पे बैठे हैं हम उसी नेचर पे आपको तवज्जो दे रहे हैं। मैं आपको प्रवक्ता नहीं मानता हूँ, मैंने आपको बधाई दी। अरे भाई सुन तो ले, अरे सुन तो ले, अब आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दे दे भाई। अगर आप वाकई किसी दल के प्रवक्ता नहीं है, निष्पक्ष है, तो आप मुझे सुनिए। अगर आप निष्पक्ष है तो आप मुझे सुनिए। अब मैं आपको बताऊं, कपीर जी आपके साथ क्या है? कपीर जी आप फ्री का, कपीर जी रुके, कपीर जी आप फ्री का चंदन हर किसी के लगा देते हैं कि आप तुम सपा के प्रवक्ता, अब तुम बीजेपी के प्रवक्ता, अब तुम पत्रकार ने, आप सबके टीका माथा लगा के। मैंने आज तक लगाया ही नहीं, दीक्षित जी ने स्वयं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो मित्र को निष्पक्ष मान रहा हूँ। मैं कुछ बातों का इनके जवाब दे दूं, क्योंकि इन्होंने सारी बातें जो है वो विपक्ष पर खड़ी की है। आज हास्यास्पद यही है कि सरकार जिस पर दायित्व है देश चलाने का, प्रदेश चलाने का, उस पर प्रश्न कम होते हैं, विपक्ष पर ज्यादा होते हैं। ये कौन सी निष्पक्षता है ये भगवान जाने, और आपको मुबारकबाद है आपकी निष्पक्षता पर, लेकिन मैं कुछ बातों का जवाब दे दूं आपको। हाँ ठीक है, बच्चों से गलती हो जाती है। अरे भाई मैं जय जी जय जी जय जी, आपने जो बात रखी उसको सुनो, उसका जवाब ले लीजिए। जय दीक्षित साहब, जवाब मैं आपको खुश कर रहा हूँ साहब, मैं खुश कर रहा हूँ आपको। आपने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, माननीय नेता जी ने कहा था। अरे भाई सुन तो ले, अरे भाई दीक्षित जी, अगर आप किसी दूसरे पार्टी के प्रवक्ता नहीं है तो निष्पक्ष है तो सुनिए। आपने प्रश्न किया, हमसे उत्तर ले लीजिए। ठीक है, आपने कहा बच्चों से,
जय दीक्षित साहब, जय दीक्षित साहब, अब जवाब का समय, जय दीक्षित साहब, अब जवाब लेने का समय, आप जवाब लेने। अरे भाई जवाब तो ले ले, हम कह रहे हैं अगर कोई जानकारी ऐसी है जो हमारे पूरी नहीं है वो हम दे दें। ठीक है, ठीक है, जय दीक्षित साहब, आप कपिल साहब से जवाब हो जाएगा। ठीक है, जवाब दीजिए कपिल जी। अब देखिए, सुन ले, आपने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, ये जो है मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल कहा था। और ये मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने आजमगढ़ की रैली में कहा था। अरे भाई सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे नेता आजमगढ़ की रैली में कहा था। और क्यों कहा था? उन्होंने जस्टिस वर्मा आयोग को कोड किया था, लेकिन वो सतही बातों पे आप चले गए और आपने जिस्ट नहीं देखा जो जस्टिस वर्मा आयोग ने दामिनी केस में किया था। दामिनी केस में जब सीआरपीसी के अंदर और आईपीसी के 376 के अंदर मृत्यु दंड की बात चली और साथ ही साथ अवयस्क अधिनियम के अंदर बालकों की उम्र को कम करने की बात चली थी, तो उस पर पूरे इंडिया से सुझाव मांगा गया था और एक जस्टिस वर्मा आयोग गठित किया गया था। अगर आपके संज्ञान में ना हो तो हम संज्ञानित कर रहे हैं। उसमें सुषमा ने सुन ले सरकार सुन ले, आप ही का जवाब दे रहे हैं। उसमें सुषमा स्वराज जी, उसमें जेटली साहब और उसमें आडवाणी साहब ने दो विषयों पर एक चीजें कही जो आपके सामने रख रहा हूं। एक तो उन्होंने कहा कि 376 के अंदर अगर हम मृत्युदंड कर देते हैं तो विक्टिम को कोई भी अभियुक्त जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अवयस्क अधिनियम है हमारा, उसमें हम उसको कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेटली साहब और सुषमा स्वराज दोनों ही वकील थे। उन्होंने कहा कि अपराध की प्रकृति को समझना ही अपराध की चीजें होती है। और जब कोई अवयस्क होता है तो वो जेल नहीं जाता है, वो बाल सुधार गृह जाता है, तो वो अपराध नहीं करता है, वो गलती करता है। तो बच्चों से वही चीज को अगर मुलायम सिंह ने कोड किया तो आप अज्ञानता बस इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप तो जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट को ठीक है, 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 ठीक है। जय जी, जय जी, जय जय साहब, जय साहब, जय साहब, जय साहब, आप पर आ रहा हूँ, जय साहब आप पर आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, ठीक है, जय साहब आप पर ही आ रहा हूँ, बिल्कुल आप पर आ रहा हूँ, जय साहब बिल्कुल आप पर आ रहा हूँ, जय साहब एक मिनट, जय साहब एक कपीस कपीस कपीस, ठीक है कपीस जी, जय साहब ने आपने बोला आज, जय साहब ने आपसे पूछा कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, चीज गलत बोली थी उन्होंने कि नहीं बोली थी, उसको लेकर आपने तमाम तर्कों की झड़ी सी लगा दी, आपने रिपोर्ट का हवाला दे दिया, आपने कोर्ट्स का हवाला दे दिया, आपने कहा कि उन्होंने किस चीज को कोट करके कहा था, ठीक है, आपने फैक्ट्स की पूरी एक दुकान खोल कर रख दी। ये बताइए कि जब अखिलेश यादव ने दो बातें कही थी, दो सेंटेंसेस कहे थे, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, फिर उन्होंने कहा ये सरकार की वैक्सीन है, पहली बात किसको कोट की थी या किसका हवाला दिया था, कौन सी रिपोर्ट थी, कौन सी कमेटी थी, ये क्या था, दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग जो थे, इस पे कौन सी कमेटी, कौन सा कोर्ट, क्या कुछ था? पहली चीज तो ये कि जिस समय पत्रकार वार्ता में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बात कही थी, आप पूरी पूरी की पूरी वृत्तांत उसका उठा करके देख लें, उसमें उन्होंने कहा था कि ये भाजपा के झूठ की वैक्सीन है, अर्थात इस वो वैक्सीन को नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे जो इन्होंने 15 लाख का वादा किया, नहीं, जो नहीं, इन्होंने नहीं। कहा कि गौमूत्र पीने से करो, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, आप कपीस कपीस जी बातों को डाइवर्ट मत करिए, जलेबी नहीं बनानी, सीधी सी बात, फिंगर फ्राइज रखिए, जलेबी मत बनाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, बात को समझिए कपीस जी, बात को समझिए, आपने 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 मुलायम सिंह जी यादव जी के एक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए तमाम रिपोर्ट्स, तमाम कमिटीज का हवाला दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रुपया मांग किया तो क्यों नहीं दिया, और बाद में आपने क्यों दिया, यू टर्न क्यों लिया, तो ये आपको बताना पड़ेगा। मैं समझ गया ठीक है, जवाब मुझे मिल गया, मैं आपसे पूछूंगा कि दाल मखनी कैसे बनाए, आप बताएंगे कि दाल तड़का कैसे बनता है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, आप जलेबी बनाएंगे लेकिन आप सीधी बात नहीं बताएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। तो आज की बहस के जो तीन मुद्दे थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की, बहुत शानदार चर्चा रही, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े, चर्चा दरअसल ये थी कि प्रियंका गांधी जी भावना के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावों में सियासी जो उनका प्रचार प्रसार है वो चल रहा है, वो हाथरस पहुंचती हैं, लखीमपुर खीरी पहुंचती हैं, आगरा पहुंचती हैं, ललितपुर पहुंचती हैं, संवेदनाओं को वो यहां पर इनकैश करने की कोशिश, इसके साथ ही लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही बहुत सॉफ्ट पॉलिटिक्स के सहारे जनता के बीच एक अच्छे नेता की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी
आज सबसे बड़ा जो ब्लरिनेस था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया, सिंपल क्लीन एंड क्लियर। उन्होंने बता दिया कि योगी हैं तो उपयोगी हैं। उन्होंने साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, अब की बार योगी सरकार, ये उनका नारा रहेगा। इसके साथ ही तीसरी जो तस्वीर थी वो ये थी दरअसल कि जहां एक तरफ हेलीकॉप्टर थे आसमान में और जहां जमीन पर प्रियंका गांधी एक ट्रेन में सफर कर रही थी, तो वहीं अखिलेश यादव घर पर बैठे थे और दो पार्टी के नेता, बड़े नेता, उनके घर पे खड़े थे। तो आज की सियासत ये कुछ थी जिस पर हमने चर्चा की और तमाम मेहमानों से हमने खुलकर बातचीत की और सत्यता परखने की कोशिश। फिलहाल के लिए कल एक बार फिर आपसे मुलाकात। शुक्रिया।